दोस्तों ये वीडियो जो है वो सभी लोगों के काम का है वैसे तो, लेकिन जो होटल में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही काम का है। उनको ये वर्ड जो है वो अगर आते हैं तो उनको इंग्लिश बोलने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होटल में आता है मेन एंट्रेंस, जिस जो मुख्य द्वार जो होता है उसे हम मेन एंट्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, राइट। दूसरा आता है फ्रंट डेस्क या रिसेप्शन। फ्रंट डेस्क जो भी गेस्ट आते हैं वो सबसे पहले जो है वो रिसेप्शन पे आकर के मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट भी होती है और उससे वो लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो इंटरेक्शन, जो बात करने का जो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो रिसेप्शन पे होता है, ठीक है, और उसको हम फ्रंट डेस्क भी कहते हैं, राइट। होटल में लॉबी होता है। लॉबी मोस्ट ऑफ रिसेप्शन के पास में बनाया जाता है और वहाँ पर सोफ़ा और बैठने की व्यवस्था रहती है कि जहाँ पर जो गेस्ट लोग जो रुके हुए हैं हमारे होटल के अंदर, उनसे अगर कोई मिलने के लिए आता है या फिर कुछ गेस्ट मिलकर के अगर वहाँ पर मिलना चाहते हैं तो इससे स्पेस रहता है कि जहाँ पर वो लोग आराम से मिलकर के बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर बाथरूम वगैरह भी होता है, बच्चों को खेलने के लिए भी जगह रहती है कि जिससे कि वो लोग कंफर्टेबल महसूस कर सकें। आगे बढ़ते हैं, होटल में बैंक्वेट और मीटिंग रूम रहता है। ये एक बहुत बड़ा हॉल जैसा एक स्पेस रहता है कि जिसके अंदर मीटिंग की जाती है और यहाँ पर बुफेट वगैरह भी लग जाते हैं, खाना वाना खाने की व्यवस्था कर दी जाती है और वेडिंग जब होता है, किसी की शादी वगैरह जब होती है तब यह उसके उपयोग में भी आता है। गेस्ट लोग आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। हिंदी में देखा जाए तो बैंक्वेट को भोज कहते हैं और मीटिंग रूम को कहते हैं बैठक कक्ष, ठीक है। एलिवेटर होता है, एलिवेटर को हम लिफ्ट कहते हैं कि जिससे हम ऊपर या नीचे हम जाते हैं, फ्लोर के बीच में जब हम सफ़र करते हैं उसके अंदर बैठ करके छोटी सी एक जगह रहती है जिसके अंदर से हम बैठ करके हम ऊपर या नीचे करते हैं। मुझे पता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलिवेटर एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, ठीक है। स्टेयर्स और स्टेयर्स वे, ये सीढ़ियाँ होती हैं। कुछ सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक होती हैं कि आप खाली वहाँ पर जाके ऐसे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आप सीधे सीधे आप चले जाएंगे, वो भी एलिवेटर जैसा ही होता है। कई होटलों में होता है, कई होटलों में सीढ़ियों को हमें चढ़ करके जाना होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर्स। हॉल, हॉल बोलते हैं कई जगह पर वे बोलते हैं उसे हम दलान हिंदी में कहते हैं और इसे कॉरिडोर भी कहा जाता है कई बार। और यह एक स्पेस रहता है कि जिसे हम रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो कॉरिडोर जैसा एक लंबा सा रूम रहता है और दोनों तरफ से खुला हुआ रहता है नॉर्मली। बेसमेंट, होटल के अंदर तहखाना रहता है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क रहती हैं और छोटी मोटी ऑफिसें भी बनाई जाती हैं जहाँ पर से कुछ मैनेज भी हो सके इस तरह से। FLOOR, फ्लोर, फ्लोर मतलब मंजिल होता है। इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट का मतलब होता है कि आप वहाँ से होटल के बाहर बहुत ही जल्दी से निकल सकते हैं अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, जैसे आग लग गया या फिर कुछ और दुविधा आ गई है, तो इमरजेंसी एग्जिट जहाँ पर लिखा हो वहाँ से हम बड़ी आसानी से और जल्दी से हम होटल के बाहर हम निकल सकते हैं, इसलिए वो यूज होता है। अब देखते हैं होटल की सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले नाम आता है बार का। बार में सिर्फ शराब मिलती है ऐसी बात नहीं है, बार में बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स भी मिलती है और साथ ही में आप स्नैक्स या फिर कुछ और भी खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, और उसे हिंदी में भी हम बार ही कहते हैं नॉर्मली। ब्रोशर एक ऐसा कागज रहता है कि जिसके अंदर होटल के आसपास का जो लोकल एरिया जो है उसके बारे में जानकारी दी होती है। गेस्ट को अगर कहीं पर जाना है तो उस ब्रोशर के अंदर से वो देख करके वो आपको बता सकता है कि उसे कहां पर जाना है, राइट, उसकी जानकारी उस ब्रोशर में से उसको मिलती है। एयरपोर्ट शटल, नॉर्मली ये एयरपोर्ट शटल जो रहती है बड़ा वान रहता है कि जिसके अंदर से नज़दीकी जो एयरपोर्ट जो रहता है वहाँ पर से गेस्ट को लाया और ले जाया जाता है, नॉर्मली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पार्किंग, पार्किंग को हिंदी में भी हम पार्किंग ही कहते हैं, जो कि बेसमेंट में भी हो सकता है, होटल के पास में हो सकता है, कहीं पर भी जब जो गाड़ियों को जो रखने की जो जगह रहती है उसे हम पार्किंग कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, ये एक लाइट ब्रेकफास्ट रहता है, सुबह का नाश्ता रहता है ये, और ये नॉर्मली एक कॉमन जगह पर सर्व किया जाता है और यह फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है या फिर होटल के जो रूम जो रहते हैं उसके कॉस्ट के अंदर इसे इंक्लूड कर लिया जाता है, इसे कस्टमर से इसके लिए पैसा नहीं लिया जाता है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के लिए। CUISINE, कजिन, कजिन का मतलब होता है भोजन। कैटरिंग, कैटरिंग का मतलब खान पान होता है। कुछ होटल्स जो है ऐसी सुविधा प्रोवाइड करती हैं, हमारा कोई अगर प्रसंग है, कोई इवेंट है तो उसके अंदर खाना बनाएंगे और हमें सर्व करेंगे, ऐसी सर्विस को हम कैटरिंग कहते हैं। बफेट, बफेट को हिंदी में बुफे कहते हैं और ये बुफे ऐसा रहता है कि यहाँ पर कोई आपको सर्व करने वाला या कोई खाना देने वाला नहीं रहता है, खाना एक जगह पर रहता है और वहाँ पर जाकर के आपको खुद थाली लेकर के वहाँ से लेकर के खाना रहता है, ठीक है।
उसे हम बफेट कहते हैं। हाई चेयर्स, हाई चेयर्स का मतलब ये रहता है कि वो कुर्सियां रहती हैं कुछ जो कि ऊंची रहती है, जो कि बच्चों के लिए होती है कि छोटे बच्चे हैं तो उस कुर्सी पे अगर बिठा दिया जाए तो डाइनिंग टेबल पे उसको बैठ करके इजीली वो खाना आराम से खा सकता है, वो अपना जो प्लेट जो रहता है उसके नजदीक में पहुंच जाता है। आइस मशीन, आइस मशीन के अंदर बर्फ बनती है, ठीक है, कॉरिडोर में या फिर ऐसी किसी जगह पर आइस मशीन रहता है, गेस्ट लोग जो है उनको अगर आइस की जरूरत है तो वहां से जाकर के वो लेकर के आते हैं। वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन के अंदर कुछ चीजें रखी रहती है, कोका कोला हुआ या ड्रिंक्स हुए या फिर कुछ और चीजें कि जिसके अंदर हम कॉइन डाल करके उस चीज को हम ले सकते हैं। इंडिया के अंदर इसका प्रचलन थोड़ा अभी कम है, किसी होटल में है किसी होटल में नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपको लगभग हर एक होटल के अंदर ये मिल जाएगा। व्हीलचेयर एक्सेसिबल, व्हीलचेयर एक्सेसिबल कैसा रहता है कि जहां पर सीढ़ियां तो रहती हैं कई जगह पर और उसके साइड में एक ऐसी जगह बनी रहती है कि जहां पर व्हीलचेयर जो है वो जा सके, ठीक है, जैसे कि कोई अगर नहीं चल पाते हैं जो व्हीलचेयर पर है उनके लिए ये जगह रहती है कि जहां पर वो लोग आराम से व्हीलचेयर में ऊपर तक जा सके, राइट। फिटनेस सेंटर, वर्कआउट रूम, जिम या फिर वेट रूम, दोस्तों ये सारे के सारे नाम जो है वो एक ही चीज़ के हैं कि होटल के अंदर ऐसी जगह रहती है कि जहाँ पर लोग बाग कसरत करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रेडमिल मिल जाएगा, दौड़ने के लिए एक मशीन मिल जाएगा और वेट उठाने के लिए मशीन मिल जाएगा, डंबल्स मिल जाएंगे, मतलब कि एक जिम जैसा रहता है कि जहाँ पर आप कसरत कर सकते हैं, उसे हम ये सारे नाम जो है वो उसी के नाम हैं, ठीक है। कई होटल के अंदर फिटनेस सेंटर बोलते हैं, कई होटल के अंदर उसे जिम कहते हैं, कई होटल के अंदर मतलब अलग अलग नाम से वो पुकारा जाता है, आपको ये सारे के सारे नाम जो है वो याद कर लेने चाहिए। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल एक जगह रहती है कि जिसके अंदर पानी रहता है और पानी के अंदर लोग तैरते हैं, उसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं। स्विमिंग पूल होटल के अंदर भी रह सकता है और कभी कभी होटल के बाहर भी रहता है। इंडोर पूल, इंडोर पूल का मतलब होता है कि वो होटल के अंदर ही रहता है और होटल के अंदर लोग बाग तैरते हैं, तो स्विमिंग पूल जैसा ही रहता है लेकिन होटल के अंदर रहता है, राइट। जकूजी, व्हर्ल पूल और हॉट टब, ये तीनों एक ही चीज का नाम है, आपके सामने यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा गर्म पानी रहता है, बबल्स रहते हैं, लोग बाग नहाते हैं इसके अंदर, सामने टीवी भी हो सकता है, कभी कभी रेस्ट करते हैं, मजा लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पा, स्पा क्या है कि मसाज का एक रूम रहता है कि जहाँ पर एक रूम रहेगा कि जिसके अंदर लोग बाग जाकर के मसाज का मजा ले सकते हैं, उसे हम इंग्लिश में स्पा कहते हैं। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री को हम धोबीघर कहते हैं हिंदी में और यहाँ पर गेस्ट के कपड़ों की धुलाई होती है। ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनिंग में कैसा होता है कि जो कपड़े पानी से नहीं धोए जा सकते हैं वो उन कपड़ों को हम ड्राई क्लीन करते हैं, तो उसका भी एक जगह रहता है ड्राई क्लीन करने के लिए। बिजनेस सेंटर, व्यापार केंद्र इसे कहते हैं, दोस्तों ये होटल के अंदर एक ऐसी जगह रहती है जहां पर लोग अपने कंप्यूटर के अंदर वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और उसकी कॉपियर भी निकाल लेते हैं, बिजनेस की बातचीत कर लेते हैं, फैक्स कर लेते हैं, ये सब चीज़ें की सुविधाएं ऐसी जगह पर रहती है, उसे हम व्यापार केंद्र या फिर बिजनेस सेंटर हम इंग्लिश में कहते हैं, राइट। पेट्स अलाउड और पेट्स फ्रेंडली, ये शब्द शायद आपने अपने होटल में कहीं जगह पर सुने होंगे, कई होटल जो है वो पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं और कई होटल जो है वो करते हैं, तो ये एक शब्द है कि जिसके अंदर अगर पेट अलाउ लिखा हुआ है तो वो पेट्स को अलाउ करते हैं और अगर पेट नॉट अलाउ लिखा हुआ है तो वहाँ पर वो लोग पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं। पेट्स मतलब पालतू जानवर और अलाउड मतलब कि अनुमति होना या डिसअलाउ मतलब कि अनुमति नहीं होना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैगेज, कस्टमर्स के बैगेज होते हैं उसको हम सामान कहते हैं, राइट। पार्किंग पास, कई होटलों में पार्किंग पास होता है, कस्टमर्स जो है वो खुद की अपनी कार या फिर खुद के व्हीकल लाते हैं और उसे पार्क कर और उसके लिए उनको पार्किंग पास प्रोवाइड किया जाता है, एक पर्ची जैसा होता है और उसको कस्टमर्स को दिया जाता है, राइट। लगेज कार्ट, लगेज कार्ट कैसा होता है कि एक ट्रॉली जैसा होता है कि जिसके अंदर लगेज रख करके हम होटल के रूम तक उसको पहुंचा सकते हैं। वैलेट, वैलेट एक स्वेवक होता है कि जो कस्टमर्स की गाड़ियों को पार्क करता है, कस्टमर्स आते हैं चाबी उनको देते हैं और वो ले जा करके उसको सही जगह पर पार्क करके चले आते हैं, राइट। एमिनिटीज, होटलों के अंदर एमिनिटीज जो कहा जाता है उसे हम एक प्रकार का सुविधा का दूसरा नाम है कि एमिनिटीज कौन कौन सी, ऐसा कौन कौन सी सुविधाएं हैं उस तरह से, ठीक है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन जो है उसका हिंदी में अर्थ होता है निवास, जो होटलों के अंदर जो लोग आकर के रहते हैं उसे ही हम अकोमोडेशन कह सकते हैं कि वो एक निवास का दूसरा नाम अकोमोडेशन है, ठीक है। एसी, एयर कंडीशन, कोई अगर एयर कंडीशन कह दे तो वो एक एसी ही रहता है कि जो ठंडी ठंडी हवा फेंकता है, ठीक है। हीटिंग या हीटर, वो एक ऐसा मशीन रहता है कि जो रूम को गर्म रखता है। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस
जो है वो कस्टमर आपसे पूछ सकता है या फिर हम किसी से पूछ सकते हैं कि इंटरनेट एक्सेस इस रूम के अंदर या इस होटल में है या नहीं है, राइट। इंटरनेट एक्सेस जो है वो कभी कभी फ्री दिया जाता है और कभी कभी उसके पैसे भी लगते हैं। ओके, वायरलेस प्रिंटिंग, यह एक प्रिंटर रहता है कि जिसके अंदर वायरलेस ही, मतलब कुछ वायर गलर कुछ लैपटॉप के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, वह वायरलेस ही प्रिंट आउट हो जाता है। कस्टमर्स ने प्रिंट आउट दिया और वो प्रिंटर के अंदर से निकल गया, इसे कहते हैं वायरलेस प्रिंटिंग। ये कई होटलों में होता है इसकी सुविधा और कई होटलों में नहीं भी होती है। फैन मतलब पंखा। बालकनी एक ऐसी जगह होती है कि जो होटल के अंदर हम होटल के अंदर से हम बाहर जा करके देख सकते हैं। ऐसी छोटी सी जगह रहती है तो ये नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होता है, ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सारे के सारे फ्लोर के अंदर मिल सकता है। ये पार्टियो मतलब होता है आंगन। यहाँ पर कुछ चेयर्स या कुछ पार्टियाँ जैसा कुछ रखा होता है कि जहाँ पर लोग बाग बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। लग्जरियस का मतलब होता है शान शौकत। लग्जरियस कार, लग्जरियस रूम, मतलब शान शौकत के लिए जो शब्द का जो इस्तेमाल होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लग्जरियस। स्मोक फ्री को हम आइदर वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, मतलब कि स्मोक फ्री को हम स्मोक अलाउड है या नहीं है उसके लिए, मतलब धूम्रपान अलाउ है या फिर नहीं है उसके लिए ये कहीं पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा होटल के अंदर कि ये स्मोक फ्री एरिया है, ये स्मोक फ्री एरिया नहीं है, यानी स्मोक नॉट अलाउड और ये स्मोक कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से। दोस्तों अब हम इनसाइड द होटल रूम, होटल रूम के अंदर की वोकैबुलरी देखते हैं। सबसे पहला शब्द है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है फ्री, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है होटल के अंदर, जैसे सोप हुआ, टूथब्रश हुआ, टूथपेस्ट हुआ, ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर रखी हुई हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उसका पैसा हम नहीं लेते हैं, मतलब होटल जो है उसका पैसा नहीं लेती है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री। बाथ टब एक ऐसी जगह होती है कि जिसके अंदर लोग बाग नहाते हैं, स्नान करते हैं उस टब में बैठ करके। शॉवर क्या होता है कि ऊपर से पानी गिरता है, जैसे बरसात होती है उस तरह से पानी गिरता है और लोग बाग वहाँ से नहाते हैं, उसे हम शॉवर कहते हैं। टॉवेल, तौलिया को हम इंग्लिश में टॉवेल कहते हैं। रोब्स एक वस्त्र है कि जिस जो हम नहाने के बाद पहनते हैं, कई सारी होटल्स इसको प्रोवाइड करती हैं। पिलो केस, पिलो मतलब तकिया और केस मतलब उसका कवर, मतलब तकिए का कवर, उसे हम पिलो केस कहते हैं। टॉयलेट्रीज के अंदर कुछ ऐसा किट होता है कि जिसके अंदर सारे सामान टॉयलेट के रिलेटेड रहता है, शैम्पू हुआ, सोप हुआ, टूथपेस्ट हुआ, इसको ये सारा का सारा जो सामान जो रहता है उसे एक किट बना करके रखते हैं कि जिसको हम टॉयलेट्रीज कहते हैं, राइट। हेयर ड्रायर, रूम के अंदर आपको हेयर ड्रायर मिल जाएगा कि जिससे हम नहाने के बाद बाल को हम सुखा सकते हैं, उसे हम हेयर ड्रायर कहते हैं। सौना, कई सारे होटल रूम के अंदर सौना होता है कि जिसके अंदर एक हीट जैसा रहता है कि वहाँ पर रिलैक्सेशन, मतलब कि वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और वहाँ पर स्टीम हीट आती है, भाप रहता है और उसके अंदर नॉर्मली बच्चों को जाने की मनाही रहती है, राइट। सिंक, वो जो हाथ धोने वाला जो प्लेस रहता है ना उसे हम सिंक कहते हैं, आपको तस्वीर में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सोप मतलब साबुन। लैम्प, होटल के अंदर लैम्प रहता है जैसा कि तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। एग्जीक्यूटिव डेस्क, ये एक ऐसा एक मेज जैसा रहता है, टेबल जैसा रहता है जहाँ पर आप बैठ करके कुछ लिख सकते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी एक जगह बनाई जाती है होटल रूम के अंदर। होटल रूम के अंदर आपको किचनेट भी मिल जाएगा। किचनेट जो रहता है वह छोटा सा एक किचन जैसा रहता है कि जिसके अंदर माइक्रोवेवन वगैरह ये सब रहता है, छोटी छोटी चीज़, और ये आप कुछ बेसिक फूड अपने लिए वहाँ पर बेसिक खाना जो है वो गेस्ट लोग जो है बना करके खा सकते हैं वहाँ। ये हर एक होटल में होना ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी होटल के अंदर हो सकता है। कॉफी मशीन एक होती है कि जिसके अंदर आपने कप रखा, बटन दबाया और कॉफी जो है वो बाहर आ गई और आपने पी लिया। रूम सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि जिसे गेस्ट ऑर्डर करता है खाने के लिए या पानी के लिए या फिर किसी और चीज की उसे जरूरत पड़ी तो वो रूम सर्विस को बुला सकता है। कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे। टीवी, आप जानते हैं टेलीविजन। कॉट या रोल वे बेड, ये एक ऐसा बेड रहता है कि जो व्हील पर चलता है, जैसे कि एक्स्ट्रा बेड की अगर जरूरत पड़ी तो व्हील पर ला करके हम उसे यूज कर सकते हैं, राइट। मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता या अधिकतम योग्यता। पुल आउट सोफा एक ऐसा सोफा होता है कि जो सोफा भी है और उसको हम बेड की तरह से भी यूज कर सकते हैं। आर्मचेयर को हम हाथों को भी आराम मिल सके इस तरह से एक बढ़िया सा चेयर रहता है, उसे हम आर्मचेयर कहते हैं, आपको तस्वीर में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लिलेन जो है वो सब क्लोथ है, कपड़े हैं, जैसे कि तकिए का कवर, ब्लैंकेट और ये सीट, बेड शीट, ये सब जो है इसको हम लिलेन कहते हैं, राइट। आयरन और आयरनिंग बोर्ड, मतलब ये एक जगह रहती है कि जहाँ पर हम कपड़े को प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं।
ठीक है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता जो फ्री में दिया जाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कहते हैं। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त करना, मतलब किसी को हम किसी चीज के लिए नियुक्त करते हैं। किसी व्यक्ति को हम कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसे हम अपॉइंटेड कहते हैं। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। इफिशियंट, इफिशियंट का मतलब होता है कुशल। एंजॉयबल, एंजॉयबल का मतलब होता है कि सुखद, मतलब कि जिस चीज से हमें आनंद मिलता है उसे हम कहते हैं ये एंजॉयबल। प्राइवेट जकूजी, जकूजी वो जो मैंने पहले बताया था आपको कि एक बाथटब जैसा होता है कि जिसके अंदर हम नहाते हैं, और वो अगर प्राइवेट हो कि मतलब कि जिसे आपके अलावा और कोई ना यूज़ कर सके तो उसे हम उसे प्राइवेट जकूजी कहते हैं, राइट। कई होटलों में प्राइवेट जकूजी ऐसा टर्म्स, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे हम देखेंगे होटल में कितने प्रकार के रूम होते हैं और कितने प्रकार के बेड्स होते हैं। सबसे पहला है सिंगल बेड, और दूसरा इसको हम ट्विन बेड भी कह सकते हैं। ये एक एक आदमी को सोने के लिए एक बेड रहता है। ये फुल साइज बेड, फुल साइज बेड में भी एक ही इंसान सोता है लेकिन इसकी थोड़ी जगह ज़्यादा होती है और वो आराम से सो सकता है। जो सिंगल बेड जो रहता है उसके अंदर थोड़ी जगह जो है वो कम रहती है और फुल साइज बेड के अंदर थोड़ी जगह ज़्यादा रहती है। दो इंसान इसमें सो सकते हैं लेकिन दोनों को चिपक करके सोना पड़ेगा। क्वीन साइज बेड, क्वीन साइज बेड जो है वो दो पर्सन के लिए होता है और वो कंफर्टेबली दो पर्सन आराम से इसके ऊपर सो सकते हैं और ये फुल साइज बेड से बड़ा होता है। रूम के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल रूम। सिंगल रूम जो है वो होता है एक पर्सन के लिए। डबल रूम, डबल रूम को डबल बेड भी कहते हैं। ट्विन साइज का एक बेड रहता है कि जिसके अंदर दो इंसान आराम से सो सकते हैं। ट्विन रूम या ट्विन बेड मतलब कि इसके अंदर ऐसा रहता है कि दो बेड अलग अलग रहते हैं और दोनों बेड पर अलग अलग लोग बाग सो सकते हैं। ट्रिपल रूम, ट्रिपल रूम के अंदर तीन अलग अलग बेड रहते हैं कि जिसमें तीन अलग अलग पर्सन सो सकते हैं और सबके सब बेड जो रहते हैं वो सिंगल साइज बेड रहते हैं। शूट, शूट का मतलब होता है कि ये ऐसे रूम रहते हैं कि जो नॉर्मल रूम से थोड़े बड़े रहते हैं और इसके अंदर थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा रहती है। कनेक्टिंग रूम्स, कनेक्टिंग रूम्स ऐसे रूम होते हैं कि जिसके अंदर ही दरवाज़ा होता है, मतलब कि एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो तो आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप अंदर से ही जा सकते हैं, ठीक है। साथवीं में एक दूसरा शब्द है एडजॉइनिंग रूम। एडजॉइनिंग रूम कैसा होता है कि पास पास के रूम होते हैं और उसको हम कहते हैं एडजॉइनिंग रूम। और ये रूम जैसे ही कस्टमर कोई आता है वो एडजॉइनिंग रूम के लिए पूछ सकता है, राइट, इसके लिए ये शब्द लिया है मैंने। अब हम देखते हैं अराइवल मतलब चेक इन की वोकैबुलरी। चेक इन मतलब कि कोई गेस्ट आता है तो उसे हम चेक इन कहते हैं। की कार्ड, की कार्ड का मतलब होता है कुंजी का कार्ड, मतलब कि उसके अंदर चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्ड रहता है कि जिससे कि रूम जो है वो ऑपरेट होता है, राइट। डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब ये रहता है कि कस्टमर जो है वो कुछ अमाउंट दे देता है, कुछ पैसे दे देता है कि वो डिपॉजिट के तौर पर होटल के अंदर वो जमा रहता है। मॉर्निंग कॉल या वेकअप कॉल, कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो अलार्म पे भरोसा नहीं करते हैं, वो लोग बोल देते हैं कि भाई कि हमें सुबह में इतने बजे आप जगा दीजिएगा, तो उसे हम मॉर्निंग कॉल या फिर वॉकअप कॉल कहते हैं। डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है हुक्म करना। नोइसी, नोइसी का मतलब होता है शोर होना, मतलब कि कस्टमर आपसे कभी कभी ये कंप्लेन कर सकता है कि भाई मेरे रूम में से आवाज़ आ रही है, एसी में से आवाज़ आ रही है या फिर कहीं बाहर से आवाज़ आ रही है, शोर करना उसे हम नोइजी या नोज कहते हैं। चेकआउट के समय पर जब कस्टमर जब जाता है तो उसे चेकआउट कहते हैं, और उसके समय पर इनवॉइस होता है, इनवॉइस को हम बिल कहते हैं। इनवॉइस के अंदर डैमेज चार्ज, मतलब कि अगर कस्टमर रुका है उससे कुछ डैमेज हो गया है तो उसका हम चार्ज करते हैं तो उसे हम डैमेज चार्ज कहते हैं। लेट चार्ज, जैसे कि चेकआउट का टाइम होता है होटलों के अंदर की सुबह में या कभी भी जो टाइम रहता है उसके बाद अगर बंदा अगर चेकआउट करता है तो उससे हम लेट चार्ज वसूल करते हैं, ठीक है। सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब होता है साइन करना। कस्टमर जब चेकआउट करता है तो इनवॉइस पे कभी कभी हम साइन लेते हैं, उसे हम इंग्लिश में सिग्नेचर कहते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब ग्राहक की संतुष्टि, मतलब कि जो उसको एक्सपेक्टेशन था वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर उसे कम्प्लीटली मिली हैं तो वो संतुष्ट रहेगा। अगर संतुष्ट रहेगा तो दोबारा आएगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं होटल के स्टाफ। होटल में एक मैनेजर रहता है जिसे प्रबंधक कहते हैं हिंदी में। मैनेजर के पास वैसे कोई गेस्ट का इंस्ट्रक्शन खास करके नहीं रहता है कि जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, ठीक है।
रिसेप्शन पर या फ्रंट डेस्क पर एक पर्सन रहता है कि जिसे हम रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, ठीक है। कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी कस्टमर आता है, सबसे पहले वह उससे बात करता है। कंसियर्ज, कंसियर्ज एक ऐसा एम्प्लॉई है होटल का कि जो गेस्ट को हेल्प करता है। अगर उसे लोकल कहीं पर घूमना है, बुकिंग करवानी है टिकट की, थिएटर में जाना है उसकी बुकिंग करवानी है, और ट्रैवल करना है कुछ लोकली, उसके लिए सब हेल्प करने वाला जो बंदा है उसे हम कंसियर्ज कहते हैं, ठीक है। बेलबॉय, बेलहॉप और पोर्टर, ये तीनों नाम उस बंदे के हैं कि जो गेस्ट के आने के बाद या गेस्ट जब जाता है तो उसका जो लगेज जो है वो उसके कार तक या फिर उसके रूम तक जो पहुंचाता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। हाउसकीपिंग, हाउसकीपर या मेड, ये ऐसे बंदे होते हैं कि जो क्लीन करते हैं होटल के रूम्स को और होटल को भी। टिप, टिप एक अमाउंट होता है, कैश में होता है, कि जो ग्राहक खुश होकर के या तो फिर रूम में दे करके जाता है या फिर वहाँ पर जो हाउसकीपर जो रहते हैं उनको दे करके जाता है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्दी होती है जो होटल के कर्मचारियों को दी जाती है और वो उसे पहन करके काम करते हैं। स्टाफ मीटिंग, स्टाफ मीटिंग क्या होता है कि जब सभी जन को एक साथ में जब बुलाया जाता है या फिर कुछ जनों को बुलाया जाता है तो उसे हम स्टाफ मीटिंग कहते हैं। कुछ डिस्कशन करने के लिए, कुछ काम समझाने के लिए, तो उसे हम स्टाफ मीटिंग कहते हैं। होटल के रिजर्वेशन करते समय जो बातचीत होती है उसके बारे में वोकैबुलरी देखते हैं। बुकिंग अ रूम, मतलब कि रूम को बुक करना। मेकिंग अ रिजर्वेशन, मतलब किसी चीज़ को हम आरक्षण कर रहे हैं, डिपॉजिट देना, डिपॉजिट दे देते हैं और उस चीज़ को हम आरक्षित कर लेते हैं हमारे यूज़ के लिए। फुल्ली बुक, मतलब कि सारे रूम पैक हो जाना, मतलब कि सभी रूम के अंदर गेस्ट आ जाने और उसके बाद कोई रूम नहीं बचता है, तो उसे हम कहते हैं फुल्ली बुक। वैकेंसी या फिर वैकेंट, दोनों ही एक ही नाम है कि जिसके अंदर अगर जगह खाली है तो उसे हम वैकेंट कहते हैं या वैकेंसी कहते हैं। कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस रूम जो होता है, सम्मेलन इसे हिंदी में कहते हैं। कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों एक ही नाम है, जिसे हम सम्मेलन कहते हैं हिंदी में। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव को हम विकल्प कहते हैं। अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। चॉइस, चॉइस मतलब होता है पसंद। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि कर देना, मतलब कि ये चीज हमने कन्फर्म कर दी, होटल को बुक कराया मतलब कन्फर्म होटल को बुक करवा चुके हैं हम। डेथ, डेथ का मतलब होता है अकाल होना, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, उसे हम डेथ कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है कि जो होटल के अंदर अवेलेबल नहीं है या फिर कम है, तो उसे हम कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ डेथ है। वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी का मतलब होता है शादी की पार्टी। अट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस का मतलब होता है आकर्षण, मतलब कि आसपास का आकर्षण क्या है, ऐसा कस्टमर हमसे पूछ सकता है कि भाई अट्रैक्शंस क्या है आसपास के, आपके होटल के अट्रैक्शंस क्या है। दोस्तों ये जो वर्ड्स है वो सिर्फ होटल में काम करने वालों के लिए ही नहीं है, ये वर्ड्स उनके लिए भी है कि जिनकी इंग्लिश कमजोर है और उनको होटल में जाना आना लगा रहता है, तो वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी वोकैबुलरी पावर को मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम अदर वर्ड्स की तरफ। ये ऐसे वर्ड्स है कि जिसकी जरूरत कहीं पर भी कभी भी हो सकती है, राइट। तो सबसे पहला वर्ड है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि स्थापना करना। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव होना। फैसिलिटीज, फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। फोल्डर, फोल्डर एक लिफलेट जैसा होता है कि जिसके अंदर कागज रहता है, उसे हम फोल्डर कहते हैं। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है मदद, नीस। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और इंटरेस्ट का दूसरा मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर जब हम रुचि दिखाते हैं तो उसे भी हम इंटरेस्ट कहते हैं। लेजर, लेजर का मतलब होता है फुर्सत होना, मतलब कि हमें खाली टाइम जब बचता है तो उसे हम लेजर बोलते हैं। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, लिफ्ट होता है जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर इंसान को लेकर के जाता है। लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, जो कि उसी एरिया का हो, एक ही स्थानीय का हो, उसे हम लोकल कहते हैं। लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है स्थान। लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान। मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब होता है कि जिसे भूल ना पाए, मतलब कि अविस्मरणीय। मिनी बार, मिनी बार एक फ्रिज जैसा होता है जो कि होटल के रूम के अंदर होता है, उसके अंदर सब सामान रहता है, अगर कस्टमर उसे खाता है या फिर उसके अंदर जो ड्रिंक होती है उसे पीता है तो उसका जो है हिसाब किताब वो जब होटल को चेकआउट करता है तो उसके अंदर उसको देना पड़ता है। मोटेल, मोटेल का मतलब एक चीपर, मतलब कि बहुत ही सस्ता होटल होता है, उसे हम मोटेल कहते हैं। नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। नो वैकेंसीज मतलब जगह खाली नहीं है। नॉन रेसिडेंट मतलब अनिवासी। प्लेजेंट मतलब सुहानी। प्रोवाइड मतलब प्रदान करें। कोट मतलब उद्धरण, मतलब कि एक कोटेशन टाइप का होता है कि आपका रूम कितने का है वो लिखित के अंदर हम दे देते हैं। रिड्यूस मतलब कम करें। रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबंधित।
रजिस्टर मतलब कि एक रजिस्टर टाइप का एक बुक जैसा होता है कि जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। रिलैक्स मतलब आराम करें, रिमूव मतलब हटाना, रिक्वायर मतलब आवश्यकता होना, रेसिडेंट मतलब निवासी, रेस्टोरेंट मतलब खाने की दुकान, सिचुएट मतलब बैठाना, स्टाफ मतलब कर्मचारी, स्टैंडर्ड मतलब मानक, सप्लाई मतलब आपूर्ति, थीम मतलब विषय, टाइम टेबल मतलब समय सारणी, टोस्टर मतलब एक टोस्टर एक मशीन होता है कि जिसके अंदर हम टोस्ट बनाते हैं, ठीक है। विकेट मतलब खाली और वीकेंड मतलब सप्ताहांत, तो उसको हिंदी में कहते हैं, मतलब कि जिस समय पर हमारी छुट्टी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वोकैबुलरी होटल के रिलेटेड। ये जो मैंने अभी जितने भी शब्द बताए हैं, इन शब्दों का अगर आप याद कर लेते हैं या फिर इसी की तैयारी कर लेते हैं तो आप होटल के अंदर किसी भी चीज़ को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से दूसरे लोगों को भी फायदा होता है और वो भी आपके जरिए। और लाइक तो इस वीडियो को आप करेंगे ही, वो तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया है। धन्यवाद दोस्तों, बाय।